का गला भी घोंटा गया है क्योंकि उसके कुछ ऑर्गन्स पे जो ब्लड वो ज़्यादा था, और जिससे जो डॉक्टर्स का अपना बताने का तरीका होता है, उन्होंने ये भी असेस किया कि शायद बच्ची का जो गला पहले घोंटा गया है और फिर उसको उसके जो गर्दन पे है वो छुरी चलाई गई है या कोई तेज़ नोक की जो भी चीज़ जिससे गला काटा गया है। बहरहाल इसी के चलते जो वजूहत थी, जैसे लगता था कि जहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है और साथ में जो सराउंडिंग्स थी उन सारे जो मौके को देख के शक जो है वो ज़्यादा आसपास के लोगों पे ही जाने लगा, और जो जो बहरहाल तफ्तीश शुरू की गई उसमें डीएसपी जो लोलाब हैं सरफराज बशीर, वहाँ के चौकी ऑफिसर अजहर शकील और एसएचओ मलिक नसीर, इसके साथ साथ एडिशनल एसपी और मैं भी स्पॉट पे गए और थोड़ा इंट्रोगेशन में भी ज्वाइनिंग हुई, और कुछ सस्पेक्ट जो हमने उस पर ज़ीरोइंग की तो उनमें फैमिली ही सस्पेक्ट आने लगी, क्योंकि जब फैमिली को क्रॉस चेक किया गया कि वो किस सीक्वेंस में लड़की जो है वो रूपोश हुई थी और किस सीक्वेंस में मिली, तो उसमें ज़ीरोइंग जो हुई वो फैमिली पे ही हुई। बहरहाल जब फैमिली में भी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन चलने लगी, इंक्वायरी चलने लगी, तो लड़की का बाप जिसका नाम मोहम्मद इकबाल खटाना है वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट लेके उसमें तफ्तीश में आने लगा, और जब उसके उसको अच्छे तरीके से जब क्रॉस क्वेश्चनिंग और बाकी तफ्तीश के जो जितने भी मवाद हमारे पास थे उनसे जब कन्फ्रंट किया गया, तो उसने कन्फेस किया कि इस छोटी बच्ची जो कि मोहम्मद इकबाल की ही बच्ची है उसका जो मर्डर है वो उसने खुद किया है, बाप ने किया है, और उसको हमने हिरासत में भी फॉर्मली अरेस्ट किया। और ये कहानी निकल के आई कि चूँकि ये जो इकबाल जो है अपनी बीवी से पिछले एक साल से इनके बीच जो काफ़ी पर्सनल इश्यूज़ को लेके लड़ाई होती रहती थी, मैं तो भी होता रहता था, इवन फिज़िकल असाल्ट भी होता रहता था। इसी शाम को जब 29 तारीख को जब इकबाल चूँकि पेशे से एक ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है सुमो, वो घर लगभग 4:15 बजे के करीब जब घर आया, उसके बाद अपने उसने जो शाम के लिए जैसे गांव में होता कि लकड़ी काटी जाती या दूसरे कोई और डोमेस्टिक काम जो है वो किए, और जब 6 बजे के आसपास काम ख़त्म करके फिर अपने घर में पहुंचा तो बीवी के साथ दोबारा से उसके क्योंकि उस सुबह भी उसका झगड़ा हुआ था और शाम को फिर से उसका काफ़ी लड़ाई हुई, आपस में बहस मुहावसा हुआ, और इवन कि उसकी वाइफ ने इसको स्लैप भी किया।